Monday 5:30 we are taking this document, and then we are going to later make questions. So we are going to go to the election commission with this document 5:30 on Monday, and we have some proposals, distinct proposals there. Yes, the main issue with EVMs is that there is a doubt in the minds of many people in this country about the fairness of the EVM system, and so we want to create a backup system so that people can be certain about what is going on. It is about building the confidence of people in the electoral system, and yes, we are looking at that measure. I don't think giving farmers 17 rupees a day is adequately addressing anything. I think it's an insult. I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, it's there couldn't be a bigger insult than this. And as far as jobs are concerned, everybody knows we are on a 45-year high of unemployment. So there's complete failure on these two fronts, and these two fronts are the critical fronts for the nation. Rahul ji, Mohit Dubey, News Nation. Sir, my question is that you have talked about the Chhattisgarh in Nyuntam Aay. After that, you have said that you have given 500 rupees a month to the Modi government, and in 2 months, 2,000 rupees will go to the farmers' accounts. आपने कहा कि अपमान किया है किसानों का मोदी सरकार ने, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों का होगा और आप जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं, किसानों की इंसल्ट हुई है, ये कोई योजना नहीं है? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन तीन मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार राफेल मामले पे चुनाव होगा। अब ये लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि शरद पवार जी को की फ्लाइट है, बाकी लोगों की फ्लाइट है, तो यहाँ कंक्लूड करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, ईवीएम पे एक सवाल। राहुल जी, ईवीएम को लेकर के एक सवाल है, लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जो अंतरिम बजट है वो मुद्दा विहीन कर दिया है आपको, कि आपके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये सभी मुद्दों के, चाहे किसान की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग या नौकरी पेशा की बात, इसलिए आप जो है ट्वीट, आपके ट्वीट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मेरे ट्वीट पे क्या बोला उन्होंने? बोला कि मुद्दा विहीन हो गए हैं आप, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह बात। The surgical strike is going to happen in the next couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other on Rafael, on demonetization, on jobs, on agriculture. हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, और भ्रष्टाचार का जो सबसे मेन मुद्दा है, बड़ा, जो हिंदुस्तान की जनता को अब समझ आ गई है बात, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, एचएल को परे करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल जी को मिलना है। मुद्दों की कहां कमी है हमारे पास। थैंक यू। राहुल जी, एक ईवीएम को लेकर सवाल है। राहुल जी, एक ईवीएम को लेकर सवाल है सर।